नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहन सरोज। मैं आज आप लोगों को एक पेशेंट है जिनका टोटल नी रिप्लेसमेंट हो रखा है, उनको मैं डेली एक्सरसाइज कराता हूँ। इनका नी बेंडिंग पूरा आ गया है और ये अच्छे से चल लेते हैं। इनको बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि टोटल नी रिप्लेसमेंट के जो बंदे रहते सही नहीं होते, ऐसा नहीं है। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो पूरा आपका रेंज भी आएगा और अच्छे से चल भी लेंगे, जैसा कि मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक। पहले हम लोग इनका पॉप मसल्स जो है स्ट्रेचिंग करेंगे, इसको दबा के रखते हैं 1 मिनट, जिससे कि वो पूरे इनकी मांसपेशियों में खिंचाव हो, ठीक है। फिर उसके बाद हेमिस्टिंग की स्ट्रेचिंग करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में ऊपर करके इनका हेमिस्टिंग स्ट्रेच कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर करने की वजह से पैर दिख नहीं रहा, लेकिन आप लोग उठा के करेंगे। ले जाइए पूरा नीचे, हाँ ठीक, गुड। पूरा सा टाई नीचे तक ले जाइए, और ले जाइए और नीचे ले जाइए। हल्का सा बस बच रहा, थोड़ा सा रह जा रहा है नीचे ले ऊपर। हाँ, 1 ले जाइए, सीधा करिए। हाँ गुड, छोड़िए, एकदम ढीला छोड़ बस। उससे कोई नहीं, वो सबका होता, धीरे धीरे करते करते फिर आ जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे घुमाइए थोड़ा सा, एसी भी चलता है। नहीं तो एसी नहीं लेना, एकदम अवॉइड करना है एसी का ना। एसी लेते हैं तो बांध के लीजिए इसको। कपड़े उपड़े बांध के, जैसे उन्नी कैप रखे नीचे देखा हूँ, उसको लगा लेनी कैप को, ठीक है रात में। अच्छा, हाँ दवाई तो दवाई। अब हम लोग जो है क्वाड्रिसेप सेप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, जैसा कि देख सकते हैं नीचे हाथ लगा के मैं इनसे प्रेस करवा रहा हूँ। 1 60 सेकंड होल्ड करके रखते हैं या 12 से 15 सेकंड होल्ड करके रखेंगे, जिससे कि इनकी मसल जो क्वाड्रिसेप है स्ट्रेंथन होगी, मजबूत होगी, ठीक। ये प्रक्रिया हम लोग जो है कम से कम 8-9 बार करते हैं इसको। इसको करने से हम लोग क्वाड्रिसेप्स मसल्स मजबूत होती है। इसको जो है तौलिया रेप करके नीचे लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जैसे हाथ से करा रहे हैं पता चलता है फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से पेशेंट रहते हैं जो कि फोर्स नहीं लगाते, लेकिन इनका बहुत अच्छा खासा फोर्स लग रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। सबसे जरूरी होता नी बेंडिंग, अगर ये नहीं होता नी बेंड, ये मोड़ने वाला, हाँ तब दिक्कत होगा। देखिए कितना मोड़ा, यहाँ तक जा रहा है ना, धीरे धीरे करते करते ले जाइए ले जाइए ले जाइए, ठीक है ठीक। पिलाइए, अभी पूरा मोड़ेंगे, अभी थोड़ा कम मोड़ा है इस बार, ये पूरा करेंगे। यहाँ पर पूरा दबा के नीचे रखे, हाँ और रखे नीचे, ले चलिए ले चलिए, हाँ ले जाइए पूरा पूरा पूरा, हाँ कितना मोड़ा, इस पर मोड़िए, देखें देखिए, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला इतना यहाँ तक जा रहा है, ये वाला जो है यहाँ आ रहा है, थोड़ा सा हल्का सा बाकी है, ठीक है। हाँ जो कि स्वेलिंग भी है ना, हाँ हाँ स्वेलिंग है, हर साल स्वेलिंग जाएगी तभी ये मुड़ेगा। हाँ वो तो है, हो जाएगा, 4 महीने का खेल रहता है पूरा मिला के जो रहता है, लेकिन ये नी बेंडिंग जरूरी है, क्योंकि कम हो जाता है बाद में, अगर नहीं करते हैं ना मोड़ने वाला कम हो जाता है, इसलिए आपको हर डेली करना एक्सरसाइज, सुबह शाम दोनों टाइम ले जाइए। अगर ये सुबह में आप करके रखते हैं पूरा दिन फ्री रहता है, रात में, हाँ फिर ले जाइए, मोड़ी मोड़ी पूरा नी बेंडिंग ले जाइए। हाँ गुड गुड, अकेले कुछ करते हैं नहीं हो पाता है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे बुलाता हो तो सो, ट्रेन हो गया, कोई कोई आ जाता है, चले चार सो रहे हैं, कोई बात नहीं, ले चले 10 नीचे आ गए। अब यहाँ एडी पास लगाइए, यहाँ दवाई एडी पास, हाँ दवाई दवाइए तो, हाँ प्रोफेसर दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की जगह छोड़ के दवाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर दवाई दवाई
आप लगाएंगे ना दवाएंगे, दवाई अंदर दवाई, हाँ मेरे हाथ को दवाई, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर दवाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को ठीक है। कोई दर्द नहीं हो रहा है? ठीक, दर्द नहीं होगा, सूजन है, धीरे धीरे जाएगा तो और आएगा, ठीक है। हाँ जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे सही होगा। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें स्ट्रेचिंग सबसे ज़रूरी होता है। स्ट्रेचिंग जो होता है यहाँ से पकड़ के अच्छे तरीके से यहाँ से करके करते तभी नीचे आएगा, ढीला छोड़िएगा, जाने दीजिए, करने दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्ट्रेचिंग करें यहाँ से, जाने दीजिए, जाने दीजिए, ले चले, हाँ पर ढीला कर, इससे ले जतन दे रहा है, देखिए एकदम सही से। जब ज़्यादा डिसबैलेंस होता तब पकड़िए, ठीक है। मैं तो ऐसे सीधा, चलिए देखिएगा नीचे एकदम उठा के रखिए पैर, हाँ गोड उठा के रखिए, घसीट के नहीं चलना है ना सर।